टेस्टों में खराब विटामिन ए, डी और ई से संपन्न खाने को बनाए बिल्कुल लाइट और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। देश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन एडिबल रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल आधार। होलसेल ऑर्डर के लिए संपर्क करें बजाज ट्रेडर्स कागज नगर 9441856450 पर। This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर। आज के मुख्य समाचार लेकर मैं निशा आप सबके सामने मौजूद हूँ। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। तुंगेड़ा KGBV का अनोखा वृक्षारोपण, बंद होने वाली है ESI हॉस्पिटल, कहा ओदेलु ने। हर घर पहुंच रहा तिरंगा, समाप्त हुआ ताल सप्ताह। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पौधारोपण तो बहुत जगह हुए, लेकिन ऐसा पौधारोपण कहीं नहीं दिखा। भले ही ये दृश्य कागज नगर का नहीं है, लेकिन पेद्दावागु के उस पार रेबेना मंडल के तुंगेड़ा गांव से मनमोहक दृश्य आई है, जिसे आपको दिखाना हमें काफी सही लगा। तुंगेड़ा की कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं की समझ बूझ से ऐसे करके बड़ी खूबसूरती से डिजाइन के साथ पौधे लगाए गए। दर्शकों, आप ही बताइए कैसी लगी आपको ये तस्वीर। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। इन सज्जन का नाम है ओदेलु। ये एक श्रमिक नेता है, कागज नगर में ही रहते हैं। इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर एक आवश्यक विषय पर चर्चा की। विषय था ESI अस्पताल। कागज नगर के नक्शे पर ESI हॉस्पिटल एक काफी जरूरी स्थान बनता है, लेकिन ये अब बंद होने वाली है। जी हाँ, कम से कम ओदेलु जी की बात माने तो यही होने वाला है। उन्हें शक है कि जिस तरह से ऐसी हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है, उससे तो लगता यही कि इसे बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन्हें शक है कि 26 जुलाई को हैदराबाद में हुए डायरेक्टर्स इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज की बैठक में इसको बंद करने को लेकर चर्चा भी हुई और बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ESI हॉस्पिटल को 1970 में खोला गया था ताकि संयुक्त आदिलाबाद जिले के सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और मजदूरों को इसमें मुफ्त की चिकित्सा मिले। न सिर्फ सिरसिल और SPM बल्कि जिले में जितने भी बड़े कारखाने हैं और जिन मजदूरों को ESI की सुविधा मिलती है, उनके लिए कागज नगर का ये अस्पताल एक अति आवश्यक स्थान है। ऐसे में इसे बंद करना इन सभी कर्मचारियों को तकलीफ देने के बराबर है। बंद करने की साजिश के तहत हॉस्पिटल में 4 वर्षों से दवाई की सप्लाई नहीं की जा रही। कोई भी इलाज कराने जाता है तो इलाज की जगह सीधे हैदराबाद रेफर कर दिया जाता है। ना ठीक से रखरखाव होता है, ना ही बिल्डिंग की मरम्मत होती है और ना ही ठीक से डॉक्टर और स्टाफ मेंटेन किया जा रहा है। पहले ESI के पास खुद की एक एम्बुलेंस हुआ करती थी, जो कि पुरानी हो गई और स्क्रैप कर दिया गया। अब तो उसके बदले नया एम्बुलेंस भी नहीं लाया जा रहा। ये सब देखकर ओदेलु जी को पक्का शक है कि कागज नगर के ESI हॉस्पिटल को बंद कर ही दिया जाएगा। वैसे हमें तो सिर्फ भाजपा वालों की ही तस्वीर मिली जो कि तिरंगा बांट रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ भाजपा की नहीं है। क्या भाजपा, क्या TRS, क्या कांग्रेस, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगे लेकर सभी को बांटने का संकल्प ले लिया है। हर कोई देश के हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ गया है। हर वार्ड में उनके काउंसिलर और हर पार्टी के नेता कागज नगर के लोगों को मुफ्त में तिरंगा बांट रहे हैं। हर घर पर अब तिरंगा शान के साथ सजेगा। बस अब कुछ ही दिन बाकी है जब देश को आजाद हुए पूरे 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वैसे क्या आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाने को तैयार हैं? अगर तैयारी पूरी है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप कर दीजिए। Let's go.
कान्हा जी, सबके प्यारे लड्डू गोपाल जी। इनकी सेवा करते राजस्थानी समाज को आज पूरे एक सप्ताह हो गए। पिछले एक सप्ताह से कागज नगर के राजस्थान भवन में विशेष कार्यक्रम ताल सप्ताह के तहत कान्हा जी की विशेष पूजा अर्चना हुई। उन्हें तरह तरह के भोग अर्पित किए गए, उन्हें अच्छे अच्छे भजन भी सुनाए गए। भक्ति से भरे इस माहौल में सभी ने खूब आनंद की अनुभूति की। आज शाम को विशेष आरती के साथ ये ताल सप्ताह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजकों को हम साधुवाद देते हैं और विशेष धन्यवाद देंगे हमारे रेगुलर दर्शक श्रीमान संदीप जी मोदानी को भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के ये मनमोहक दृश्य हमसे साझा किए। दर्शकों, आपसे हमारा ये अनुरोध है कि यदि आपके आसपास भी ऐसा ही कोई उत्सव हो तो उसके बारे में हमें बताएं और उसकी तस्वीरें साझा करें, ताकि हम इन खूबसूरत उत्सवों को सभी तक पहुंचा पाए, सभी को कागज नगर के अलग अलग रंग दिखाए। दर्शकों, ये थी आज की कुछ खास खबरें। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।